सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी को इस पुनीत पावन अवसर पर, इस ऐतिहासिक क्षण पर, सनातन संस्कृति के अद्भुत इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम मंदिर निर्माण के बाद हो रहा है। इस अवसर पर इसकी भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के क्षणों पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत लंबा संघर्ष हुआ सनातन संस्कृति को कुचलने का, दबाने का लंबा अवक्रम चला, लेकिन बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने तमाम प्रयासों के बाद और तमाम अवरोधों को हटा करके वो क्षण हमारे सामने, हमारे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया, जब राम लला जिसकी परिकल्पना बहुत समय पहले, 500 वर्ष समय पहले की गई थी, वो साकार होती हुई नजर आई। और हम सब वर्तमान पीढ़ी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी में ये क्षण आए कि आज भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर साकार स्वरूप लेने में हम लोग कामयाब हुए। अंततः कितनी पीढ़ियां चली गई जो संघर्ष करती रही, त्याग करती रही, तपस्या करती रही और जिन्होंने बलिदान देने का काम किया, लेकिन उनके जीवन में ये क्षण नहीं आ पाया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके जीवन में ये क्षण आए हैं। और मैं समझता हूं कि आज ऐसा पुनीत कार्यक्रम है जिसको हम लोग लगातार पहले तो भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देते ही रहे हैं, लेकिन इस बार मंदिर बनने के बाद के पहले कार्यक्रम में जो हम लोग पिछले इस कार्यक्रम के कीर्तिमान बनाते रहे हैं, अपने ही कीर्तिमानों को बना करके अगले साल का जब कार्यक्रम हुआ है, तब तक उन कीर्तिमानों को तोड़ने का काम करके नया विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया है। और इस बार हम लोग पुनः 25 लाख से दियों का प्रज्वलन एक साथ करके और 1100 से ज्यादा वेदाचार्यों के द्वारा मां सरयू के तट पर मां की आरती करने का एक विश्व रिकॉर्ड बना करके गिनी जिम्बो का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करने जा रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर मैं पुनः एक बार पधारे हुए सभी जनजन को कोर्ट से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामना देता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्षण हम लोगों के जीवन में निरंतर आते रहें। हमारा देश सनातन संस्कृति के रूप में, सनातन परंपराओं का आदर्श बन के आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में न सिर्फ हम विश्व गुरु पुनः बने, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करे, विकासशील भारत से विकसित भारत बनने का सपना पूरा करे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों का, खास रूप से अपने माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति विभाग की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय में से कुछ क्षण हमारे इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस आशा उम्मीद के साथ कि दीपोत्सव का पावन पर्व हम सब के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, मानवता के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत ही शुभ हो, सुख समृद्धि पूरे देश और प्रदेश में आए और हमारा उत्तर प्रदेश भी भारत के साथ साथ हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने का सपना पूरा करें। हम लोग तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यह अर्थव्यवस्था भारत के गिने चुने राज्यों में प्रथम पंक्ति में खड़ी दिखाई पड़े, ऐसा हमें भरोसा है आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, भरोसा है आपके कुशल राजनीतिक नेतृत्व में और भरोसा है आप सब लोगों के सहयोग की कृपा से हम लोग निश्चित रूप से सनातन परंपरा, आदर्श, मूल्यों को बढ़ाते हुए उनको संवर्धित करते हुए निश्चित रूप से अपने मुकाम को हासिल करेंगे, अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। आज जो उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 7 साल में सोच बदला है, परफेक्शन बदला है, देश और दुनिया के निवेशकों की बात करें या दुनिया के विश्वास की बात करें, उत्तर प्रदेश के बारे में आज लोगों का विश्वास बढ़ा है, यही विश्वास हम सब की पूंजी है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत दीपावली के पावन अवसर पर अपनी ओर से बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, आप सबकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।